नमस्कार दोस्तों, इंडिया हॉट टॉपिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि पिछले 5 सालों में और आने वाले 5 सालों में बीजेपी सरकार के क्या क्या नई रणनीतियां, क्या क्या बदलाव के नई नीतियां और किन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल है भूखी जनता, मिस्टर पैरो जगार, मिस्टर दिवालिया, मिस्टर दिलवालिया जी, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम ऐसे किए जिससे लोगों को, जनता को फायदा हुआ। तो मिस्टर दिलवालिया, आप ये बताएं, आपके बिजनेस में पिछले 5 साल में क्या प्रभाव, क्या फर्क आया? ओ जी, वैसे तो मोदी जी ने सब कुछ बढ़िया ही किया, पर मेरे तो अलग गए, मेरे तो अलग गए। सदा जी, आप लाइव हैं और आप, ये कोई सिंगिंग शो नहीं है, तो आप गाना गाना बंद कीजिए और ये बताइए कि पिछले 5 साल में क्या क्या ऐसे प्रभाव पड़े हैं आपके बिजनेस में मोदी जी की सरकार के बीच में, बताइए। ओ जी, वही तो दसरा तनु, हमें तो लूट लिया मिलके पार्टी वालों ने, कभी हाथ वालों ने, कभी झाड़ वालों ने। वो कैसे, आप ये बताइए। आदिशान सीलिंग है, ईमान सीलिंग है, अरमान सीलिंग है। लगता है सीलिंग होने की वजह से सरदार जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इनके अंदर का कलाकार बाहर ऊपर उमड़ के आने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल हम आगे चलते हैं हमारी भूखी जनता पे और उनसे सवाल करते हैं कि कैसे 5 सालों में उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। तो बताइए, पिछले 5 साल में आप में, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सर जी, मैं क्या बताऊं, कड़क सुखी था मैं अपने खेती बाड़ी करके, दाल रोटी भी बढ़िया चल रही थी मोदी जी के राज में, और हमारे 2 साल का कर्ज भी माफ हो गया था। ये तो दूसरी पार्टी वालों ने 72 का लालच देके मारा वोट लूट लिया। अच्छा जी, लूट गया मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या करूं सर जी। ठीक है, घबराइए मत। अरे भाई, पानी लो, पानी। सर, घर में पानी नहीं है, बातों से काम चला लो। बहरा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साहब जी, बात यूं है, मैं बहकावे में आ लिया, झूठों पर विश्वास किया, मैं तो भूल ही गया था कि जिसने गिनती ना आती वो मारा कर्ज के खाक माफ करेगा। तो मामला काफी गंभीर है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों में काफी परिवर्तन आए। क्या हाल कर रखा है वरिष्ठ नेताओं ने देश का, कब से चुप बैठा बैठा सुन रहा हूँ, बस अब और नहीं, हमें आजादी चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे बस ठीक है, ठीक है, आप ही के पास आ रहा हूँ और आप ही से बातचीत करूंगा। मिस्टर बेरोजगार, अब आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में देश ने तरक्की की या नहीं की? क्या खाक हुई है तरक्की? भाई आप ही बताइए, क्या काम किया? कोई अपने जुर्मेबाजी में लगा है, तो कोई 72,000 रुपए बांट रहा है, तो कोई मोहल्ले में गैस बांट रहा है। ओए यार बेरोजगार, गैस दी कल्याण ना कर यार, गैस सुनते छेड़छाड़ हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। ओए बेरोजगार चुप, ओए ये सुन, पप्पू के कर्मों से जलती हुई जनता को मिलती है मोदी की छाया, ऐसा ही सुख मेरे दिल में समाया है जब से इलेक्शन रिजल्ट आया। ओ जी आयो सरदार जी, आप शांत रहिए। साहब जी, धोखेबाजी हुई है हमारे साथ, 72,000 रुपए देके ले गए हमारा वोट, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे ये तो बजट में नहीं था, ये तो हमारे लिए, लुट गए, बर्बाद हो गए। इस बार हम अपना हक लेकर रहेंगे, तख्ता पलट कर रख देंगे। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? अरे अरे आप सब लोग चुप रहिए और शांति से विचार विमर्श करते हैं। अब आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते,
हमें चाहिए आजादी, बदला लेंगे। अरे ये राजनीति है बेईमानों की, धोखेबाजों की, मक्कारों की, नेताओं का यारो। अरे नेताओं का यारो क्या कहना। ऐसे ऐसे गधों ने ही तो देश को डुबो रखा है, जाहिल अनपढ़ कहीं के। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हर एक वीडियो का मजा लीजिए।